सूरत यूज आर्ट फाउंडेशन द्वारा समर्थित पब्लिक आर्ट फेस्टिवल डुमस आर्ट प्रोजेक्ट की दसमी आवृत्ति नो तारीख 18 सप्टेम्बर रोज डुमस रोड स्थित वीआर मॉल खाते प्रारंभ थयो हतो। आर्ट डुमस आर्ट प्रोजेक्ट एक महीना सुधी चालशे। आ वर्षे थीम ट्रांसकेंडिंग बाउंड्रीज, कलाकारों ने तेमनो विजन, कल्पना और कलात्मक प्रतिभाओं ने दर्शावी तेनी नवीनतम कलाकृतिओ और शिल्पो तैयार करवा माटे प्रोत्साहित करवामां आवशे। आ डुमस आर्ट प्रोजेक्ट नो सूरत महानगरपालिका कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ना हस्ते उद्घाटन करवामां आव्युं हतुं। डुमस आर्ट प्रोजेक्ट ना क्यूरेटर सुमी गुप्ता पत्रकार परिषद में जणाव्युं हतुं के आ फेस्टिवल में शिल्पो, चित्रों और फोटोग्राफ्स दर्शावामां आव्या छे। आ इंस्टॉलेशन जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा, नर्मदा यूनिवर्सिटी, चित्रकला परिषद और सार्वजनिक स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स तथा जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी विद्यार्थियों द्वारा करवामां आव्या हता। एवोर्ड विजेता कलाकार गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्ड धारक मित्तल सोजित्रा साथ सहयोग थी कलाकार तैयार करवामां आव्या। वीआर सूरत ना बेसमेंट नी दीवालो ने आर्ट गैलरी में फेरवता द बेसमेंट आर्ट प्रोजेक्ट में कलाकारों ने पिठुरा आर्ट की कृतिओ दर्शावामां आवी छे। आगामी एक महीना सुधी वीआर सूरत इंस्टॉलेशन, फाइन आर्ट फोटोग्राफी प्रदर्शनों, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन, युवा कलाकारों वच्चे स्पर्धाओ अने कलाकृतिओ ना बचाव साथ कलात्मक उजवणीओनुं केन्द्र बनी रहेशे। अने आ प्रोजेक्ट में अन्य आकर्षणों में ब्लॉक प्रिंटिंग, पेपर मेक, पोएट्री, फ्रेग्रन्स मेकिंग अने मिरर मोजेक पर वर्कशॉप नो समावेश थाय छे। आर्ट बाजार लाइव म्यूजिक साथे पोताना प्रेक्षकों साथे जोड़ावा माटे स्थानिक कलाकारों माटे क्यूरेटेड मार्केट पूरू पाडशे अने यूनेस्को अने राजस्थान टूरिज्म साथेना सहयोगथी राजस्थानी कलाकारों द्वारा लोकनृत्य अने हस्तकला प्रदर्शनो समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव पूरो पाडशे। आउटडोर अने मजबूत कलात्मक झुकाव माटे अनेरा प्रेम माटे जाणीता सुरतीओने आनंद प्रमोद कराशे। नमस्ते, मेरा नाम है सुमी गुप्ता और मैं डुमस आर्ट प्रोजेक्ट की क्यूरेटर हूँ। ये डुमस आर्ट प्रोजेक्ट का 10वां साल है और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ वीआर सूरत में आके यहाँ पे ये फेस्टिवल की उद्घाटन में पार्टिसिपेट करना। और आज का ये फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल हो गए हमें ये करते करते और सूरत के लोगों को बहुत पसंद है ये फेस्टिवल। और इस दफ़े बड़े सारे नए इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की बहुत जानी मानी आर्ट इंस्टीट्यूट्स है, उसके छात्रों ने बहुत इंस्टॉलेशंस बनाई हैं और सूरत के जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भाग लिया है। और सो ये बहुत अच्छा इन्होंने डिस्प्ले करा है, पेंटिंग्स का, इंस्टॉलेशंस का, फोटोग्राफी का, वो है गुजरात इन फोकस। हम एक फोटोग्राफी कंपटीशन रन करते हैं, उसमें हमें इस दफ़ा 1500 एंट्रीज आए थे, उसमें से हमने करीब 60 एंट्रीज चुने हैं जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। तो और एक पूरी आर्ट गैलरी बनाई है सेकंड फ्लोर पर, वहाँ आप देखेंगे कि बहुत पेंटिंग्स हैं, अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग कॉलेजेस के छात्रों की पेंटिंग्स हैं। इस दफ़ा क्योंकि 10 साल हुए हमने एक आर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करा है, जहाँ हर फेस्टिवल से हम लोग जो जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है उन छात्रों को लेते हैं और उनको एक मेंटरशिप पैनल के साथ मैच करते हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट और सीनियर लोग हैं अपने फील्ड में, जैसे आर्ट क्यूरेटर, आर्टिस्ट, कोई इंडिया में है, एक हैं जो ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं जो लंदन में रहते हैं, वो सब इन स्टूडेंट्स को गाइडेंस देंगे कि आगे कैसे बढ़ें जब ये लोग अपना कॉलेज ख़त्म करेंगे। और इस साल हमारी कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हैं, एक तो यूनेस्को के साथ हमारी एक फ़ोटो एग्जिबिशन जो यहाँ गैलरी में है और एक आर्ट्स फेस्टिवल है जो न्यूयॉर्क में चल रहा है आजकल, आर्ट्स फॉर द फ्यूचर फेस्टिवल जो UN स्पॉन्सर करती है, तो उन्होंने भी हमारे साथ इस दफ़ा जोड़ा है, अपना संबंध जोड़ा है ताकि जो चीज़ें हम यहाँ दिखा रहे हैं वो लोग अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया में अमेरिका में दिखाएंगे और जो वहाँ न्यूयॉर्क में वो लोग दिखा रहे हैं वो हम अपने लोगों को यहाँ पे दिखा सकते हैं। और एक NGO है आर्ट रीच जो बच्चों के साथ काम करते हैं और जो बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते उनके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आर्ट वर्कशॉप्स के द्वारा ये लोग कुछ शिक्षा देंगे, तो उसकी काफ़ी वर्कशॉप्स होंगी। ये पूरे महीने के लिए फेस्टिवल है
और यहाँ पे बड़ी सारी वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन, आर्ट बाज़ार, चिल्ड्रंस आर्ट कंपटीशन, जहाँ पे 400-500 स्कूल के बच्चे आके यू नो कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। तो एक महीने के लिए ये वीआर सूरत जो जगह है वो पूरी कला का क्षेत्र बन जाएगा, जहाँ हर कोई आएगा और कुछ ना कुछ रोज़ नया मिलने को देख सकते हैं वो, या वर्कशॉप में हिस्सा ले सकते हैं। और ये जगह हम यहाँ करते हैं, वीआर सूरत हमें जगह देते हैं ये फेस्टिवल्स करने की हर साल, और ये फेस्टिवल सपोर्टेड हैं यूज आर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट हैं। सो इसका मतलब इसमें ये जो सो आप इंस्टॉलेशंस वगैरह देख रहे हैं ये कोई बेचने खरीदने के नहीं है, ये बस लोगों को देखने के लिए है और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो अपना काम हज़ारों लाखों लोगों